नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे Zee5 में रिलीज हुई एक नई एंथोलॉजी सीरीज की, जिसका नाम है लंथरनी। तो एक चीज पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये लंथरनी का मतलब क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है कि कुछ अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब जो आत्म प्रशंसा की बात होती है, ये खुद के बारे में बहुत कुछ ऊंची सोच रखना और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने बोलना। तो क्यों ये कहा जा रहा है और ये सीरीज क्या है, मतलब तीनों तीन कहानी लेके ये जो सीरीज जो बनाई गई, मुझे कैसा लगा, डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहली बात जो ये है कि इसकी जो कास्ट जो है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी लीवर यहाँ पे दिख रहे हैं, जीशु सेन गुप्ता दिख रहे हैं, यहाँ पे साउथ की फेमस एक्ट्रेस निमिषा दिख रही है, साथ में आपको जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया दिखेंगे। तो कास्ट काफी अच्छे हैं और तीनों कहानी को एक साथ जोड़ा गया है। तीन अलग अलग कहानी इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहली कहानी जो है वो एक पुलिस अफसर की है जो एक्चुअली रिटायर होने वाला है और लास्ट दिन उसको एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप एक मुजरिम जो है उसको आपको कोर्ट तक पहुंचाना है और कोर्ट से फिर जेल तक वापस लाना है। तो बंदा जो है वो रिटायरमेंट की कगार में ही थी, लेकिन अब उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। अब कैसे वो चीज़ों को टैकल करता है वही यहाँ पे दिखाया गया। तो ये जो किरदार है ये जॉनी लीवर प्ले कर रहे हैं और जो आसामी जो है मतलब जो जिसको पकड़ा गया है वो जीशु सेनगुप्त प्ले कर रहा है। और इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है, दोनों के बीच में जो मतलब कश्मकशी है, उसको इसके अंदर में दिखाया गया है। सच माने तो दोस्तों, जो मुझे सबसे बड़ी सबसे अच्छी लगी है इसके अंदर में कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई आज के डेट में पुलिस कॉन्स्टेबल की या फिर मान लीजिए कोर्ट की आज के दिन में व्यवस्थाओं की, वो बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाया गया है, बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। और साथ ही में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज के डेट में बहुत सारे केसेस जो है जिसमें कोई खुलासा नहीं होता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है, जज जो है अपना जो मतलब ये है वही उसके ऊपर थोप देता है कि मेरा जो सोच है वही बेसिकली आज के डेट में राय बन जाता है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। तो लीगल सिस्टम को बहुत अच्छा तरीके से एक्सपोज किया गया है और LGBTQ कम्युनिटी की तरफ हम लोगों का जो मतलब आप बोल सकते हो, हम लोग अभी भी उसको जिस तरीके से देखते हैं वो चीज़ को बहुत नेकेडली इसमें एक्सपोज किया गया है। तो थीम काफ़ी बढ़िया है और परफॉर्मेंसेस उससे भी बढ़िया है। जॉनी लीवर एंड जीशु सेनगुप्ता जस्ट नेल्ड इट इन दिस पर्टिकुलर पीस। तो बहुत बढ़िया काम उन लोगों ने किया है। अब दोस्तों, दूसरी अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी जो है वो कोरोना के टाइम में है, जो एक मीडिया हाउस की कहानी है और मीडिया हाउस कम्प्लीटली मतलब एकदम चल नहीं रहा है क्योंकि कोई खबर बनाने के लिए है ही नहीं। उस समय उनको एक ऐड मिलता है, उस ऐड को कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं इन कोरोना टाइम, वही बेसिकली दिखाया गया, जो एक सैनिटाइजर की ऐड है। तो देखिए, ये भी कहानी काफ़ी अनोखा है और बहुत अच्छा तरीके से इसको भी एग्जीक्यूट किया गया। कोई बड़ा नाम मुझे इतना मतलब दिखा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया इन लोगों ने परफॉर्म किया है और कहानी का सेटअप वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया है। थोड़ी सी एक जो बोल सकते हैं इसमें मुझे जो जो कमियां लगी है कि कहानी को जिस तरीके से अंत किया गया वो मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि कहानी का अंत उतना कुछ मतलब आपको मतलब ऐसा कोई किक नहीं देती है। तीसरी कहानी जो है वो बेसिकली जीतू हमारे जीतू भैया और निमिषा की बीच की कहानी है, जो निमिषा यहाँ पे ग्राम की एक पंचायत दिखाती है और वो पंचायत होने के नाते उनको कुछ कुछ सुविधा जो है बाकी पंचों से नहीं, वो सहायता जो है बाकी पंचों से नहीं मिल रहा है। तो इसको लेके वो BDO ऑफिस के सामने धरने में बैठती है और वो धरना जो है काफ़ी साल तक चलता है और उस धरने में वो मौन व्रत रखती है, वो और जीतू भैया उनके हस्बैंड। तो कैसे वो मौन व्रत रखते हुए भी वो ये अपना पॉइंट्स जो है उसको प्रूव करते हैं, कैसे वो मतलब उस चीज़ को जो है सबके सामने लाते हैं, वही बहुत ही अनोखा तरीके से दिखाया गया है। और जो रियलिस्टिक अप्रोच टेकन बाय द पुलिस टू कट डाउन एनी मूवमेंट, तो वो बहुत अच्छा तरीके से, बहुत ही आप बोल सकते हो सरकास्टिक तरीके से दिखाया गया है। तो चीज़ें काफ़ी अनोखी है, काफ़ी नयापन है इस चीज़ में। और सच माने तो दोस्तों, Zee5 में बहुत दिन बाद कुछ देखने लायक एक अच्छा कॉन्टेंट आया है। भले ये एंथोलॉजी सीरीज़ है, भले इसका लेंथ जो है 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसकी ट्रीटमेंट और डायरेक्शन, सारी चीज़ें जो कहानी की नरेशन, सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन बहुत अच्छा तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो मेरे लिए हाईली रिकमेंडेड एक कॉन्टेंट है जो Zee5 में अभी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो। और कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।